मेरे प्यारे बच्चे वेलकम बैक DSL में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जेरंड, ठीक है, जेरंड पढ़ाऊंगा आपको आज मैं। इससे बच्चों ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं कि सर जेरंड नहीं आता मुझे। मैंने कहा मैं हूं ना, जेरंड क्या है जानते हैं आज, तरीके का यूज पढ़ते हैं। आज के बाद जेरंड से समस्या नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और आज और अभी पूरा यूज जेरंड का देखो आराम से शुरू से लास्ट तक, ठीक है। जेरंड का मतलब होता है बेटा V1 प्लस ING, इसको तुम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह सकते हो। बहुत ही बारीकी समझो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म बेटा ये तीन जगह यूज होते हैं, फाइनाइट वर्ब भी इनफाइनाइट। तो बेसिकली जो जेरंड है ये फाइनाइट और इनफाइनाइट से जन्म लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा मैं चाहूँगा तुम्हें सिखाना। तो जेरंड समझने के लिए अगर मैं 2 मिनट तुम्हारा एक बेहतर टाइम यूज कर लूँ तो देखना जरा गौर से कि जेरंड पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जाने कि आखिर हम लोग का रोल क्या है, ठीक है, रोल ऑफ V4, ठीक है, यानी V1 प्लस ING। तो ध्यान दें बेटा V4 जो है ना इसका दो तरह से यूज है। एक वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, जैसे हमने कहा कि राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब देखो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखो बेटा कि राम इज राइटिंग, यहां पर जो राइटिंग वर्ड है इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी कि जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, एक ही मेन वर्ब हो, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट के पास हो फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? तो राम इज राइटिंग, ये तुम्हारा फाइनाइट हो गया फिलहाल के लिए। यहां देखते हैं इनफाइनाइट वर्ब, तो V4 में इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट वर्ब। अब इनफाइनाइट वर्ब बाबू एक हुआ जेरंड, राइट, एक हुआ तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरंड भी तुम्हारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब कि यह तुम्हारा V1 प्लस ING है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ING है। तो अंतर समझो, तो ये जो V4 था ये हो गया फाइनाइट वर्ब, और यह जो V4 है जेरंड, ये तुम्हारा जेरंड नाउन के जैसा यूज होता है, राइट। तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, क्या होता वो एडजेक्टिव। अब यहां पे एक एग्जांपल मैं देता हूं और इसको डिटेल पढ़ाता हूं। हमने कहा राम इज राइटिंग लेटर, इसी को बना दिया नाउन, मतलब राइटिंग इज अ गुड आर्ट। हमने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो क्या बन गया नाउन, यानी जिस प्रकार राम इज था उस प्रकार हमने कहा राइटिंग इज, तो राइटिंग बन गया नाउन, राइटिंग इज गुड। अब यहां का एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बन गया, यानी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है नाउन से पहले। तो हमने कहा आई सॉ अ रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट, तो रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट, तो हॉर्स हो गया नाउन, तो रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट, तो रनिंग हो गया एडजेक्टिव। लेकिन आज और अभी जो मैं सिखाने वाला हूं वो जेरंड। V4 का 3 यूज है, ये 3 करने में हम लोग को 1 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन मेरे वीडियो में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो वीडियो देखो, लंच कर रहे हो तो देखो, डिनर कर रहे हो तो देखो, टाइम वेस्ट अलग से नहीं करना बच्चे, देखो बोर्ड पे। अब यहाँ पे काम करना है हम लोग को, जेरंड डिटेल पढ़ना है। मैं बताया कि जेरंड का जन्म हुआ कैसे वो पढ़ाया, अब जन्म समझ में आ गया जेरंड का। अब देखते हैं कि जेरंड है क्या चीज, राइट। वो जेरंड का जन्म था वो हमने जल्दी कर लिया, अब आराम से देखो। तो जेरंड का मतलब हो गया V1 प्लस ING। तो जेरंड का जो पहला यूज है प्यारे बच्चे, कॉपी कलम निकाल लो और लिखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कॉपी कलम निकाल करके बैठो, ऐसे मत देखो, गेटिंग माय पॉइंट, तुलना शुरू करो। तो जेरंड V1 प्लस ING, ING इसका यूज कहां करते हैं, तो लिखो जेरंड इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी जेरंड सेंटेंस क्या बनता है, सब्जेक्ट। कैसे भाई, हमने कहा देखो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो
तो वॉकिंग इज, वॉकिंग क्या है, सब्जेक्ट, इज लिया वर्ब, बोलते हो राम इज गुड बोलते हो ना, तो राम इज गुड, वॉकिंग इज गुड, तो बोलो हुआ कि नहीं सब्जेक्ट, राम था सिंगुलर तो वॉकिंग भी है सिंगुलर, तो जेरंड इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर, तो वॉकिंग इज गुड, सिगरेट पीते हो, लिखा था स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस, वॉकिंग इज गुड, स्लीपिंग इननेसेसरी, स्विमिंग इज, ठीक है, तो जितने भी आईएनजी लगा करके हम बना सकते हैं उसको कहते हैं जेरंड, ठीक है बच्चे। आगे देखो, ये पहला यूज था, रूल नंबर टू लिखो कि जेरंड इज यूज, लिखो जेरंड इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जेरंड का प्रयोग क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के जैसा, ऑब्जेक्ट के जैसा कैसे भाई, सब्जेक्ट है वर्ब है यहां पे करेंगे, ऑब्जेक्ट के जैसा करेंगे कैसे, देखो ही वर्ब बोला लाइक्स, अब ही लाइक्स, अब तुम बोलते हो ना ही लाइक्स मैंगो, मैंगो क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ही लाइक्स हमको लगाना क्या है जेरंड, ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स ईटिंग, राइट, तो बोलो डांसिंग ईटिंग क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है वर्ब क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यानी जेरंड का प्रयोग तुम करते हो ऑब्जेक्ट के जैसा, क्लियर। अगला कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट तुम्हारा बेसिक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, और मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, और बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए, क्यों, उनको मदद करिए जिनको मेरी जरूरत है, उनको हेल्प करिए, पूरे भारत की मदद की आवश्यकता है, और परीक्षा में जिनको मदद मिल जाएगा ये वीडियो उनको बताइए, उनको शेयर करिए जिनको मेरी जरूरत है, क्यों, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं उनका, क्योंकि एजुकेशन का परोपकार सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि आप उनको पढ़ा रहे हैं आप प्रत्यक्ष वे में, मेरा सपोर्ट आपके लिए और आपका सपोर्ट पूरे भारत के लिए, इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर और सब्सक्राइब करें कि ताकि पूरे भारत में अंग्रेजी की क्रांति हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, तो जेरंड के लिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि कुछ पर्टिकुलर शब्द है, लिख लो, लिखो अभी पहला शब्द लिखो, कुछ पर्टिकुलर लिखो, जेरंड मे बी यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स है, पहला शब्द अवॉइड, ए वी ओ आई डी, ए वी ओ आई डी, अवॉइड वर्ड के बाद आई एन जी का प्रयोग करना, जैसे यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, यू शुड अवॉइड डांसिंग, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, राइट, इंजॉय के बाद, इंजॉय के बाद आई एन जी का प्रयोग करना, इंजॉय, इंजॉय डांसिंग, है ना, इस तरह से माइंड के बाद, माइंड के बाद आई एन जी का प्रयोग करना, एम आई एन डी, माइंड के बाद आई एन जी प्रयोग करना, हेट, हेट के बाद आई एन जी का प्रयोग करना, क्या प्रयोग करना, जेरंड का, ये सारे शब्द है ना के बाद तुम क्या प्रयोग करना वर्ब का, फोर्थ फॉर्म आई एन जी फॉर्म, जैसे माइंड कमिंग लेट, यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, तो माइंड के बाद, इंजॉय के बाद, अवॉइड के बाद, हेट के बाद, ये सारे के बाद क्या लगाना बेटा, आई एन जी का प्रयोग करना। एक और वर्ड है नो यूज, नो यूज के बाद भी आई एन जी का प्रयोग करना, नो यूज एक वर्ड है, जैसे इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, तो इन सारे शब्दों के साथ आप आई एन जी का प्रयोग करना है कि बच्चे एग्जाम में बहुत पूछता है। अगला कंसेप्ट देखो जेरंड का, जेरंड का अगला कंसेप्ट क्या है, गौर से देखो, आप बिल्कुल आराम से देखते रहो, देखो गौर से, सब्जेक्ट के बाद तुम्हें लगा दिया इज, एम, आर, वाज, वर, आजकल जमाना है फास्ट मूवर का, तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर तुम्हें लगाया used to, तुम्हें लगा दिया addicted to, तुम्हें लगा दिया accustomed to, तुम्हें लगा दिया habituated to, इन सब के बाद मेरे बच्चे V4 का ही प्रयोग करना, इन सब के बाद verb का fourth form आता है, I am used to taking tea, he is addicted to gambling, he is accustomed to gambling, he is habituated to taking tea, तो इन सारे शब्दों के बाद ing का ही प्रयोग करना बेटा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक अंतिम यूज और देख लो, और इसमें चूंकि जेरंड जो है
बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन हमने सोचा है कि आपका टाइम वेस्ट ना करके आपको टी टाइम में, ब्रेकफास्ट टाइम में आपको मैं अंग्रेजी सिखा दूं। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। अगला पॉइंट तुम गौर से देखो बोर्ड पे, जैसे बेटा कहीं तुम्हें मिल जाए माई, वर्ड मिल जाए तुम्हें आवर, योर, हीज, हर, दियर, राम्स, सीताज, इन सब को पता है क्या बोलते हैं हम? पजेसिव बोलते हैं। ये सबको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। अब इन सारे शब्दों के बाद बेटा क्या आएगा? इन सब के बाद नाउन आएगा। क्या बाबू? नाउन आएगा। अब जो नाउन होता है वही तो जेरंड होता है बाबू। पहले ही ने कहा था कि नाउन के जैसा ही जेरंड है, यानी जेरंड हो सकता है यहाँ। तो नाउन का मतलब क्या बोलते हो? जैसे बोलते हो ना तुम माइक पेन, तो तुम बोल सकते हो माइक कमिंग। प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, माई कमिंग लेट, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। ठीक है, आई अप्रिसिएट राम्स सिंगिंग, राम्स सिंगिंग। जैसे बोलते हो राम्स पेन, राम्स बुक, राम्स टेबल, तो राम्स सिंगिंग। आई अप्रिसिएट राम्स सिंगिंग। आई पोस्टपोन्ड माई वाइफ्स गोइंग टू दिल्ली, अब क्या बोलते हो? आई पोस्टपोन्ड माई वाइफ्स गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पे वाइफ्स वर्ड बोला, इसलिए क्या हो जाएगा? गोइंग टू दिल्ली। ठीक बच्चे, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, कभी दिक्कत लाइफ में नहीं होगा अंग्रेजी में, और पढ़ने का समय प्रयास करो। हमने क्या कहा? आई पोस्टपोन वाइफ गोइंग दिल्ली, और इससे दिक्कत नहीं होगा। और आप हमेशा लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम पढ़ो, अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चे। आई एम विद यू, पढ़ाऊंगा नहीं सिखा दूंगा 100%। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।